बिग बॉस की हिस्ट्री में एक बात तो बहुत अच्छे से लिखी हुई है कि गेस्ट आने बिग बॉस के घर में लाजमी है, चाहे वो कोई सा भी सीजन हो या फिर कोई सा भी गेस्ट हो, या फिर वो एक दिन के लिए बुलाया जाए या फिर 5 मिनट के लिए या फिर 14-15 दिन के लिए डाला जाए। ऐसे ही हुआ बिग बॉस सीजन 15 में, जो कि गेस्ट के तौर पर आई काम्या पंजाबी, साथ ही साथ में देवोलीना भट्टाचार्य जी। वैसे देवोलीना की जरूरत तो नहीं है बिग बॉस को, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा फैंस कहते हैं। ये मैं फैंस का रिव्यू ही शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर कि देवोलीना की शो को कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे 5 मिनट की बात हो या फिर 10 मिनट की या फिर हफ्ता 10 दिन 20 दिन की बात क्यों ना करें। ऐसे में देवोलीना हद से ज़्यादा सोशल मीडिया पर आए दिन ट्रोल होती रहती है, मगर देवो ने शमिता शेट्टी के सामने एक बात रखी कि आपने एक बात कही थी कि ये घटिया नीच गंदी औरत है और मैं ऐसी औरत को मुँह भी ना लगाऊँ। शमिता शेट्टी इस बात को मुकर गई थी कहने में कि भाई मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही। देवोलीना इस बात के ऊपर भड़की, शमिता आपने कहा था मैं बाहर देखकर आई हूं और यहां पर मैं बोल रही हूं आकर। तो शमिता शेट्टी इस बात के ऊपर भड़क गई कि आप क्या कह रही हो आकर। तो शमिता शेट्टी ने देवोलीना को हद से ज्यादा ट्रोल कर दिया, हद से ज्यादा देवोलीना की बेइज्जती कर डाली, जो कि मैं मानता हूं एक गेस्ट की नहीं की जानी चाहिए, मगर अब हो रही है तो क्या कर सकते हैं, होने दो ना यार, होने दो। चलो, तो बिग बॉस ने देवोलीना को बुलाया एज अ गेस्ट के तौर पर और ये वाली बातें बोलवाई कि आप उकसाइए। तो ऐसे ही उन्होंने शमिता शेट्टी के सामने ये वाला पॉइंट रखा, मगर शमिता इस बात को मुकर गई थी कि ये मैंने नहीं बोला। मगर देवोलीना अपनी बेइज्जती करवा कर तो बाहर चली गई। फिर उसके बाद से उन्होंने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया जहां पर वो छोटा सा क्लिप होता है कि शमिता शेट्टी जब बोलती हैं अफसाना को कि ऐसी घटिया नीच गंदी औरत और ऐसी औरत से मेरा पाला ना पड़े तो ज़्यादा ही बेहतर होगा, कुछ इस तरह से बातें बोली गई। तो ये मैंने खुद देखा था यार, मैंने खुद देखा था। वैसे लाइव फीड में बलवा चल रहा है बहुत ज़बरदस्त वाला, मगर फिलहाल शमिता शेट्टी इस बात से मुकर गई थी, मगर देवोलीना भट्टाचार्य जी ने एक्सपोज कर दिया। अब बेइज्जती करवा ली तो यार एक्सपोज करना तो बनता है ना, है ना। तो इसमें आपके क्या विचार है वो नीचे हमें कॉमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा।